हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग होंगे? आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। सो हैप्पी एनिवर्सरी टू मी एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू यू इंदु और चिया जी। तो हम दोनों बहनों की है एनिवर्सरी और हमारी शादी को हो गई है 15 साल कंप्लीट। तो ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट आ रहा है, पूरा 1 वीक लेट है, क्योंकि बीच में तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने नहीं डाला था 1 वीक व्लॉग। तो धीरे धीरे मैंने व्लॉग डालने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से अब मेरा व्लॉग कंटिन्यू आएंगे। तो इतना वेट करने के लिए थैंक यू सो मच, इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए भी थैंक यू सो मच। एंड हम कहाँ जा रहे हैं ये आप लोगों को मैं बाद में बताऊँगी लोकेशन में पहुँचने के बाद। और हम घर से एकदम निकल गए थे, बहुत लेट हो गए थे, हम 2:30 बजे के बाद निकले, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे, उनकी भी छुट्टी निकलवा सकते थे क्योंकि टेस्ट था। तो इसीलिए हम सीधा गाड़ी में आके एक साथ मिले और तब आप लोगों से बात करनी शुरू कर दी मैंने। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। लो जी, कुछ तो हम लेट हो ही रहे थे अपनी लोकेशन पे पहुंचने के लिए, क्योंकि 3 घंटे लग रहे थे हमें वहाँ पे पहुंचने में। ऊपर से जाम और बॉर्डर पे इतना जाम कि बहुत देर तक हम खड़े रहे इंतज़ार में। बाकी चलो देखते हैं अब क्या प्रोग्राम है हमारा, आगे बने रहिए। सो गाइस, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम पहले खाएंगे खाना, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। बच्चे के आने के इंतज़ार में हम ऐसे ही बैठे थे, खाना खा भी लेते पर ऑलरेडी वैसे ही बहुत लेट हो गए थे, तो सोचा था कि आगे खा लेंगे। और अभी हम हवेली पे रुके हैं, देखते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं। तो बने रहिए और एंजॉय कीजिए व्लॉग को। यहीं बैठ जाते हैं ना बाहर, यहीं बैठ जाएंगे खुले में। अच्छा ये ला दे अभी। मखाने कौन सी सब्जी है? हाँ दोनों एक में डाल लो। कौन सी सब्जी है? कढ़ाई पनीर है। ये है कढ़ाई पनीर, जिया जी इंदु लायरा दूसरी एक ही मंगाई थी क्या सब्जी? दाल है ना, कहाँ डाल दो फिर। हाँ प्याज मत खाओ। हाँ पर सब्जी में भी तो है। सो गाइस, भूख इतने ज़्यादा ज़ोर से लग रही थी कि नहीं रुका जा रहा था, तो अभी खाना खा लेते हैं और मिलते हैं फिर आप लोगों से आगे सीधा लोकेशन पे। तब तक बने रहिए फिर से। सो खाना खा के हो गई हमें तसल्ली, तो सोचा क्यों ना एक दो रील बना ली जाए जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि किसी रीज़न की वजह से वो नहीं हो पाई अपलोड। क्या हो गया है? परेशान हो गई तो अब एक बात तो बता देगी, वंशु को नए कपड़े पहना दिए। अब तुझे एक देर लेते दिखना भी गंदा। अरे वंदी, इतना हाथ भी नहीं दिख रहा है। अरे नायरा, ए नायरा,
सो गाइज हम आ गए अपनी लोकेशन पे और इसी लोकेशन पे आने के इंतज़ार में थे हम काफ़ी टाइम से। हम आए अपनी यूनिवर्सिटी पर खाटू धाम कौन से वाले पे, ये मुझे नाम याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना के रखना, और इससे अगला जो ब्लॉग आएगा वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँगी। मंदिर में जाने के बाद आपसे मिलूँगी और बहुत सारी बातें करूँगी, क्योंकि मुझे एक चीज़ भी बतानी है जो यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे मुझे एक सब्सक्राइबर मिला और वो मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। कहानी मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।